आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल जेबी टेक्नोलॉजी में। आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसको आप अपना कंप्यूटर में, अपना लैपटॉप में आप खुद कर पाओगे, और अपना पेनड्राइव में फ़ोटो को कैसे लगाना है उसकी ट्रिक के बारे में आप जान पाओगे। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक में जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरा चैनल में पहले आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, हम जो आज का ट्रिक जानने वाले हैं वो है अपना पेनड्राइव में अपना फ़ोटो या अपना लोगो को कैसे हम लगाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो फाइल की ज़रूरत होती है, एक है फ़ोटो फाइल, दूसरा है नोटपैड का फाइल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ तो यहाँ पर एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो को मैं क्या करूँगा, अपना पेनड्राइव में अटैच करूँगा, उसको अपना पेनड्राइव में मैं लगाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, इस फ़ोटो को मैं ओपन करता हूँ पेंट में, हमारा जो पेंट का एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, उसमें उसको ओपन करता हूँ। तो इसमें ओपन हो गया तो इसमें क्या करूँगा, इसको सेव एज कर दूँगा। सेव एज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा BMP पिक्चर बोल के, BMP फॉर्मेट का पिक्चर्स। तो सेव एज मैं करूँगा BMP फॉर्मेट का पिक्चर में। देखिए यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर मैं लोकेशन सिलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप, उसके बाद इसका नाम यहाँ पर टाइप करूँगा, जो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर SUBRET मेरा नाम है यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और देखिए सेव एज टाइप में ऑटोमेटिक वहाँ पर 24-bit वाला BMP फॉर्मेट का ये फाइल हो जाएगा। इसको मैं नाम टाइप कर लिया तो यहाँ पर सेव कर देता हूँ, यहाँ पर सेव हो गया डेस्कटॉप में हमारा BMP का हमारा फ़ोटो फाइल सेव कर गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो का एक फाइल चलाया, जो ओल्ड फ़ोटो है उसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में मैं डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पर एक फाइल हमारा तैयार हो गया। चलिए हम दूसरे फाइल को तैयार करेंगे जो कि है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद उसमें मैं न्यू में जाऊँगा, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूँगा। ये फाइल हमारा क्रिएट हो गया तो इसको मैं ओपन करूँगा, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो नोटपैड का हमारा फाइल ओपन हो गया। यहाँ पर दो काम करना है हमको, दो लाइन, छोटा छोटा सा दो लाइन लिखना है, पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद autorun लिख के स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। दूसरा लाइन है एंटर प्रेस करके हम आइकन लिखेंगे ICON इक्वल टू हमारा जो BMP का फॉर्मेट का फोटो फाइल है उसका नाम लिख देंगे। देखिए हम SUBRET लिखा था, यहाँ पर SUBRET लिख दिया, .BMP लिख दिया। इसको हमको सेव एज करना है, फाइल पर जाके मैं सेव एज कर लिया, इसका नाम फिर वहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स में देना है। इसका लोकेशन भी हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे और इसका फाइल का नाम देंगे AUTORUN autorun। सेव एज फाइल टाइप को हम ऑल टाइप कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब फाइल का नाम देंगे वहाँ पर .INF दे देंगे, इन्फॉर्मेशन का फाइल है। और सेव एज टाइप में ऑल टाइप दे, ऑल फाइल करके इसको सेव कर दिया। देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसके बाद मेरा डेस्कटॉप में ये autorun का एक फाइल चलाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा दो फाइल रेडी हो गया, जो पहला ओल्ड वाला फाइल था उसको मैं डिलीट कर दिया। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा और जो हमारा पेनड्राइव है उसमें उसको इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, पेस्ट करने से पहले हमारा जो पेनड्राइव है उसको मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर में गया, मेरा पेनड्राइव यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मेट कर दूँगा। राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने से यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट में स्टार्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया। देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरा पेनड्राइव अभी फॉर्मेट हो गया, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करके यहाँ पर इस दोनों फाइल को सिलेक्ट करूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आ गया, इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दो फाइल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया हमारा पेनड्राइव में। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा पेनड्राइव जो है उसको अनप्लग कर देंगे या कंप्यूटर से डिसकनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको फिर एक बार कनेक्ट करेंगे हमारा कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो, जो हमारा फ़ोटो हम सेव किए थे वो फ़ोटो मेरा पेनड्राइव में आ गया। देखिए इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर दो फाइल दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे, दोनों फाइल को सिलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके इसको हिडन कर देता हूँ। मैं हिडन ऑप्शन में क्लिक किया, उसको अप्लाई करके ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर दोनों फाइल हाइड होकर हमारा पेनड्राइव में रह गया। जब तक ये दोनों फाइल डिलीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, उस पेनड्राइव को जहाँ भी, जो कोई भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगाएंगे तो वो
मेरा फ़ोटो दिखाई देगा, आपका आइडेंटिफाई हो पाएगा आपका पेन ड्राइव बोल के। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए, अपना फ्रेंड के साथ अपना रिलेटिव के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपको और एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।